हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नोकिया लुमिया 525 एंड्रॉयड। और इस वीडियो का टाइटल जो आपने पढ़ा है यार, पहली बात तो ये कि वो टाइटल को पढ़ के ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, अभी अपनी होप्स इतनी रेज मत करना, क्योंकि मैंने जस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और अनबिलीवेबली कोई पता नहीं मिरेकल ही था, व्हाट्सएप 5 सेकेंड के लिए ऑन हुआ था, उसके बाद फिर ऑफ हो गया। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ हो क्या रही है। काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च भी किया है और कुछ चीज़ें मुझे पता लगी हैं, तो मतलब अभी तक ये चीज़ मतलब मैंने कंफर्म तो नहीं हुई, बट मैं अभी भी ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये ऑफिशियल व्हाट्सएप जो था आपका विंडोज़ फ़ोन में पहले रन करता था, वो दोबारा से रन होने लगेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बट फ़िलहाल के लिए आप अपनी होप्स मत रेज करना, इतनी उम्मीद मत लगाना इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस था कि आपको ये बताना है कि मैंने व्हाट्सएप में कुछ ट्रिक्स करके देखी हैं, इस विंडोज़ फ़ोन में कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करके देखी हैं, और उसकी मदद से व्हाट्सएप रन हुआ था 5 सेकंड के लिए और उसके बाद वो फिर बंद हो गया। तो जब तक इस वीडियो को मैं फाइनल इसका कोई सलूशन नहीं निकाल लेता, तब तक के लिए मैं ट्राई करता रहूँगा और आपको वेट करना पड़ेगा। बट हाँ, जो मैंने किया है वो मैं आपको फ़िलहाल बताता हूँ, और आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये ऑफिशियल व्हाट्सएप है जो विंडोज़ फ़ोन में था, जो कि आपको पता है कि फ़ोन नॉट सपोर्टेड है ना, ये आ चुका है हमारे पास बैनर। तो अगर तो आपके पास अभी भी ये पुराना व्हाट्सएप है ऑफिशियल विंडोज़ फ़ोन में तो ठीक है, अगर नहीं है तो घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप आपको मिलेगा नहीं। बट फिर भी आपको अगर व्हाट्सएप अपना डाउनलोड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो बहुत आसान तरीका है। अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर जाके माई लाइब्रेरी में जाना है, माई लाइब्रेरी में, ठीक है। माई लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो ऑल टाइप्स पे जाके ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और इस ये आपको वो सारी एप्लीकेशन शो करवा देगा विद डाउनलोड साइन जो आज तक आपने इंस्टॉल की है अपने विंडोज़ फ़ोन में, जब से आपने अपना विंडोज़ फ़ोन लिया है। तो इसमें व्हाट्सएप की एप्लीकेशन भी ज़रूर होगी, तो आप व्हाट्सएप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो व्हाट्सएप आपका यहाँ पर आ जाएगा। बट ये चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप बंद हो चुका है। बट फिर भी अगर ये चल गया किसी तरह, जैसे मैं ट्रिक्स इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको ज़रूर अगली वीडियो में बताऊँगा। पर तब तक के लिए जो मैंने अभी तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो क्या है, देखिए, अब व्हाट्सएप बंद हुआ है विंडोज़ फ़ोन में, ठीक है। तो व्हाट्सएप को कैसे पता लग रहा है कि ये फ़ोन में विंडोज़ फ़ोन यूज़ हो रहा है, और जो व्हाट्सएप ने डेट बताई थी कि 31 दिसंबर 2019 के बाद व्हाट्सएप विंडोज़ फ़ोन में नहीं चलेगा, वो डेट का मतलब क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि 31 दिसंबर 2019 की जो डेट है, वो व्हाट्सएप आप जब भी ऑन करोगे इस एप्लीकेशन, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो जैसे ही आप इस फ़ोन में ये एप्लीकेशन को ऑन करेंगे तो व्हाट्सएप के सर्वर डिटेक्ट कर लेता है कि ये एप्लीकेशन उस फ़ोन में रन हो रही है जिसको हमने 31 दिसंबर 2019 तक अवेलेबल किया था, और उसके बाद उस पर बंद कर दी है। और अगर आपके इस फ़ोन में उस 31 दिसंबर 2019 के बाद वाली डेट्स आ रही हैं अपडेटेड, यानी कि दो साल 2020 और उससे ज़्यादा, तो उसको सर्वर को वो रिस्पांस भेज देता है कि ये जो है फ़ोन 2020 में चल रहा है, इसका मतलब इसमें व्हाट्सएप नहीं चलना चाहिए, तो इसीलिए ये बैनर आता है। तो मैंने यही लॉजिक लगाया कि अगर हम फ़ोन की डेट को दोबारा 2019 या उससे पीछे ले जाएं तो क्या व्हाट्सएप में फ़र्क पड़ेगा? तो ये देखिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। हम सेटिंग्स में जाके फ़ोन की डेट चेंज करके देखते हैं। तो अब डेट कहाँ से चेंज होगी हमारी? टाइम एंड लैंग्वेज, ओके, ये रहा डेट एंड टाइम, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है, सेट डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली को ऑफ कर दीजिए, तो यहाँ से अब आप मैनुअली डेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, हमें पता है कि 31 दिसंबर 2019 तक व्हाट्सएप चल रहा था विंडोज़ फ़ोन में, ठीक है। तो चलो हम डेट को ही पीछे करके देखते हैं, साल हम ले के चलते हैं 2019, और जुलाई या अगस्त में लेके चलते हैं, 15 अगस्त 2019 की कर देते हैं डेट। इसको कर दिया सेव, ठीक है, और व्हाट्सएप क्लोज कर दिया,
व्हाट्सएप को कर देना है क्लोज, और उसके बाद फिर से आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। अभी भी फ़ोन नॉट सपोर्टेड है, ठीक है कोई नहीं। अब हम दोबारा से करके देखते हैं, साल हम ले जाते हैं 2018 में, ठीक है चलो अब दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखिए चेंज हो गया ना, अब क्या मैसेज आ रहा है कि अपडेट व्हाट्सएप, दिस वर्जन ऑफ व्हाट्सएप हैज एक्सपायर्ड, प्लीज गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड अपडेट द व्हाट्सएप, ठीक है। मतलब उसके कहने का ये है, ये देखिए अब जैसे ही हमने कहा कि चेंज क्लॉक, व्हाट्सएप क्या मैसेज शो कर रहा है कि इनकरेक्ट डेट एंड टाइम, कि डेट और टाइम आपके विंडोज फोन का इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है कि सारी गेम जो है, मुझे अभी धीरे धीरे समझ आ रही है कि ये सारी गेम व्हाट्सएप अभी भी टेक्निकली आपके विंडोज फोन में चल रहा है बैकग्राउंड में, बट वो मुझे जहां तक लगता है वो सिर्फ डेट और टाइम के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन लगी है। जैसे ही हम डेट को किसी एंगल में सेट कर देंगे और फिक्स कर देंगे कि फ़ोन की डेट जो है वो रोज़ सेम रहे और टाइम भी सेम रहे, तो पॉसिबल है कि व्हाट्सएप दोबारा आपके विंडोज़ फ़ोन में रन हो जाएगा, ठीक है। पहले देखिए हमने डेट चेंज की, उसने कहा अपडेट वाली, अब मैंने कॉन्टैक्ट सपोर्ट की ऑप्शन की तो उसने सीधा बैनर दे दिया कि आपकी क्लॉक का जो है टाइम ख़राब है, अपनी क्लॉक चेंज कीजिए। और जैसे ही हम क्लॉक चेंज करेंगे तो मे बी आपका व्हाट्सएप रन होगा, बट एक बात मैं आपको बताऊँ, इसमें आपको काफ़ी ट्राइज करनी पड़ेगी हर मंथ की, हर साल की 2018 और 19 के दो सालों में हर मंथ और हर डेट के कॉम्बिनेशन आपको बना के देखने पड़ेंगे, और किसी एक ना एक कॉम्बिनेशन में ये व्हाट्सएप ज़रूर चलेगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलो हम आगे करते हैं इसको, मे बी दिसंबर 2018 में ले चलते हैं। तो अपडेट ना हो तो हम कर नहीं सकते क्योंकि बेसिकली व्हाट्सएप बंद हो चुका है। तो बेसिकली मैं आपको यही कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप अगर आपको यूज करना है अपने विंडोज फोन में तो यही एक तरीका है, आप डेट्स बार बार चेंज करके देखें। जैसे ही डेट चेंज हो जाएगी, ये देखिए पहले वो ऑप्शन आई थी, अब कह रहे हैं अपना इशू डिस्क्राइब कीजिए कि व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा, और उसके स्क्रीनशॉट लगा दीजिए। बेसिकली यही बात है यार, बेसिकली आपको डेट्स वगैरह चेंज करके देखनी पड़ेंगी। जैसे ही आपकी डेट्स चेंज हो जाएंगी तो आप मेरे हिसाब से दोबारा से व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई आपको करना ही पड़ेगा। दोबारा ऑन करते हैं, ये देखिए फिर वही आई प्रॉब्लम, चेंज क्लॉक। मतलब कहने का यही है कि क्योंकि मैं इसलिए ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने ये ट्रिक आज कम से कम आधा घंटा लगा की थी, और 5 सेकंड के लिए व्हाट्सएप ऑन हुआ था, और जिस डेट पर व्हाट्सएप ऑन हुआ था उसी डेट पर दोबारा व्हाट्सएप ऑफ ऑन नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद डेट को चेंज करने की वजह से कोई व्हाट्सएप की ऐसी डेट आ जाए जो उससे कंपेटिबल हो जाए, व्हाट्सएप रन हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए इस मेथड को अगर आप विंडोज़ फ़ोन में दोबारा से व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं। थोड़ी मेहनत वाला काम है, मुझे भी पता है, बट अगर ये काम कर गया तरीका तो दोबारा से व्हाट्सएप चल जाएगा, और व्हाट्सएप को इसकी कानो कान खबर नहीं है कि ये तरीके से व्हाट्सएप दोबारा विंडोज़ फ़ोन में चल रहा है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई सलूशन मिलता है तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि हम बाकी लोगों को जो भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में विंडोज़ फ़ोन में, सॉरी जिनके पास भी आज की डेट में विंडोज़ फ़ोन है, उस उनों के लिए उम्मीद जगा सके हम, और वो भी व्हाट्सएप को यूज़ कर सके। तो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, तो बाय बाय, टेक केयर, अगर कोई सलूशन मिले तो ज़रूर बताना, बाय।